हेलो दोस्तों, प्रेस टाइम्स फिर से एक धोखा करने वाली वेबसाइट का खुलासा करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं, आज के टाइम में हम सभी ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं, पर क्या आप जानते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर धोखा किया जा रहा है। फ्लैगशॉप ये वेबसाइट लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से ये शॉपिंग के नाम पर लोगों के साथ धोखा कर रही है। यह एक अपेक्षाकृत नया मोडस ऑपरेंडी है जिसे साइबर जालसाजों द्वारा लोगों को ऑनलाइन ठगने के लिए अपनाया गया है। इस साइबर धोखाधड़ी के कई रूप है। एक में धोखेबाज कुछ ज्ञात ब्रांड या यहां तक कि कुछ मोबाइल फोन कंपनी जैसे MI आदि की वास्तव दिखने वाली वेबसाइट बनाते हैं और सस्ते उत्पादों की पेशकश करते हैं। वे बिना सोचे समझे ग्राहक को ऑनलाइन भुगतान करने के लिए प्रेरित करते हैं और एक बार भुगतान हो जाने के बाद ग्राहक को ऑर्डर किया गया उत्पाद भी नहीं मिलता है। दूसरा वेरिएंट वह है जिसमें जालसाज किसी अन्य कंपनी या वेबसाइट की नकल नहीं करते हैं, बल्कि एक नई वेबसाइट बनाते हैं जिस पर उत्पादों को बहुत सस्ते दाम पर बेचा जाता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, ग्राहक को ऑनलाइन भुगतान करना होता है लेकिन कभी भी ऑर्डर किया गया उत्पाद नहीं मिलता है। एक अन्य संस्करण में नकली वेबसाइट की एक नीति है। इनमें से एक flatshop.in है जिसमें यदि ग्राहक कोई भी उत्पाद खरीदता है जिसकी कीमत एक निश्चित राशि से अधिक है तो वह एक महंगे उपहार के लिए पात्र हो जाता है। जैसे ही ग्राहक उस उत्पाद को खरीदता है उसे नकली वेबसाइट की ग्राहक सेवा से कॉल आती है कि उसे मुफ्त उपहार के रख रखाव GST आदि के लिए एक निश्चित वापसी योग्य राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है, वह इसके योग्य है। इस प्रकार धोखेबाज बिना सोचे समझे ऑनलाइन खरीदार को विभिन्न बैंक खातों में हजारों रुपए जमा करने के लिए प्रेरित करते हैं। एक अन्य संस्करण में ग्राहक ऑनलाइन खरीदारी करता है और उसके लिए भुगतान भी ऑनलाइन करता है, लेकिन उसे जो उत्पाद मिलता है वह आमतौर पर कुछ और होता है। ज्यादातर उस उत्पाद का उपयोग किया गया संस्करण जिसे उन्होंने ऑर्डर किया था। विशेष रूप में आकांक्षी उत्पादों जैसे मोबाइल फोन, महंगे जूते, चमड़े के सामान, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आदि पर भारी छूट का शिकार ना हो। शॉपिंग पोर्टल की साख के बारे में इंटरनेट पर सर्च करें। यदि साइट के बारे में बड़ी संख्या में समीक्षाएं उत्पादों की डिलीवरी ना होने की शिकायत करती है तो साइट शायद नकली है। यदि साइट कैश ऑन डिलीवरी की पेशकश कर रही है तो उसे प्राथमिकता दे, ना कि अपफ्रंट भुगतान, विशेष रूप से नए अपरीक्षित शॉपिंग पोर्टल्स के लिए। चौथा, एक धोखाधड़ी खरीदारी साइट ना केवल आपको वादा किए गए उत्पाद की डिलीवरी के माध्यम से धोखा देती है, बल्कि यह आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड क्रेडेंशियल्स को भी कैप्चर करती है और इसे डार्क वेब पर बेच सकती है। इसलिए परीक्षण ना किए गए ई कॉमर्स साइटों पर क्रेडिट डेबिट कार्ड का उपयोग करके तब तक भुगतान ना करें जब तक भुगतान लिंक आपको एक सत्यापित सुरक्षित भुगतान गेटवे पर नहीं ले जा रहे हैं। खरीदारी और नीलामी धोखाधड़ी में धोखाधड़ी वाले खरीदारी घोटाले शामिल हैं, जो इंटरनेट की गुमनामी पर भरोसा करते हैं। स्कैम वेबसाइटों और संदेशों से बचने के साथ साथ यदि आप दुर्भाग्यशाली होकर ऑनलाइन अपराध का शिकार हो जाते हैं तो ये युक्तियां किसी भी नतीजे को कम करने में मदद करेंगी। यह चुनना कि आप कहां खरीदारी करते हैं, यदि आप किसी ऐसी कंपनी या व्यक्ति से खरीदारी कर रहे हैं जिसे आप नहीं जानते और भरोसा नहीं करते तो पहले कुछ शोध करें और खरीदारी पूरी करने से पहले किसी मित्र या परिवार के सदस्य से सलाह लें। यदि आप खरीदारी करने का निर्णय लेते हैं तो यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसका उपयोग करें, क्योंकि अधिकांश प्रमुख क्रेडिट कार्ड प्रदाता ऑनलाइन खरीदारी का बीमा करते हैं। कुछ अन्य भुगतान विधियां अच्छी उपभोक्ता सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन वे क्रेडिट कार्ड प्रदाता के समान सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है। सटीक विवरण के लिए उनके नियम और शर्तें देखें। इनसे दूर रहे, रिव्यू जांच ले, पूरी जानकारी ले। ये सिर्फ धोखा कर रही है, लोगों के साथ स्कैम कर रही है। ऐसी और भी काफी कंपनियां हैं, सभी के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। डू सब्सक्राइब प्रेस टाइम्स। कम बोलो, सच बोलो।